अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग। गाइस, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों में से एक निशात इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब इसको निशात इंडस्ट्रीज़, निशात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, मियाँ मंशा ग्रुप के नामों से जानते हैं। इस कंपनी के मौजूदा मालिक हैं मियाँ मोहम्मद मंशा, जिनकी एसेट्स की तकरीबन वैल्यू 7.7 बिलियन डॉलर्स है। गाइस, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 5 लोग शामिल हैं, जिनकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कंपनी के नहायत ही अहम लोग हैं और इनके बगैर कंपनी नहीं चल सकती। अगर हम इस कंपनी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कंपनी 1952 में वजूद में आई और 1961 में ये स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर हुई। इसका हेड ऑफिस लाहौर में है और इसके मालिक हैं मियां मोहम्मद मंशा। इस कंपनी अपने आप को एक से बढ़ाकर 5 मुख्तलिफ कंपनियों में डिवाइड कर लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों में से एक है। इसकी सबसे पहली कंपनी है निशात मिल्स। निशात टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान की बड़ी टेक्सटाइल मिल्स में से एक है, जिनके पास तकरीबन 2,10,000 स्पिंडल्स हैं। ये स्पिंडल दिन रात काम करते हैं और अगर आप इनके वेविंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी छोटा नहीं है। उनके पास तकरीबन 293 जट हैं और ये मिलकर तकरीबन 3 मिलियन जार्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इसकी दूसरी कंपनी की बात करें तो वो है डेरा गाजी खान सीमेंट, जिसको हम डीजी सीमेंट के नाम से जानते हैं। ये कंपनी तकरीबन रोज़ाना 5,500 क्लिंकर टन पर डे प्रोड्यूस कर रही है। इसकी तीसरी कंपनी है मुस्लिम कमर्शियल बैंक, जिनके पास तकरीबन 1200 से ज़्यादा ब्रांच और इसकी वैल्यू तकरीबन 230 बिलियन पाकिस्तानी रुपए है। अगर चौथी कंपनी की तरफ जाएं तो वो है आदमजी इंश्योरेंस, जो पाकिस्तान के साथ साथ बैरून ममालिक में भी निशात ग्रुप के बिहाफ पे काम कर रही है। क्या इसकी पांचवी कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो है निशात पावर जनरेशन। जी गाइस, पावर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जो तकरीबन 85 मेगावाट्स प्रोड्यूस कर रही है। ये कंपनी 2007 में वजूद में आई और इस कंपनी की 85 मेगावाट्स में से कंजप्शन तकरीबन 40 मेगावाट्स है। इस कंपनी को बनाने का मकसद निशात का लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल करना और अपनी पावर कंजप्शन को खुद ही पूरा करना था। गाइस, इस कंपनी ने हाल ही में बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, जिसमें इनकी सबसे अहम और सबसे बड़ी अचीवमेंट है द इम्पोरियम माल। जिस गाइस, द इम्पोरियम माल लाहौर में 30 जून 2016 को लोगों के लिए खोला गया। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है और इस तो बहुत ही ज़्यादा लागत से तामीर किया गया है। ये मॉल पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मॉल्स में से भी एक है। गाइस, ये निशात इंडस्ट्रीज़ के बारे में वो मालूमात थी जो शायद आपको कहीं ना मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।